गोंडपिपरी तहसील में धान की फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोग लगने से किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। गोंडपिपरी तहसील के सैकड़ों हेक्टर धान की फसलों पर अनेक प्रकार के रोगों का प्रभाव होने से उत्पादन में बड़े पैमाने पर कमी होने के अंदेशा से किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन की ओर एक आस भरी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। गोंडपिपरी तहसील अकालग्रस्त घोषित करे ऐसी मांग राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस तालुका अध्यक्ष सूरज माडोरा ने की और वहीं गौतम झाड़े उप सरपंच बुरगांव ने किसानों को योग्य मुआवजा मिले ऐसी मांग की। गोंडपिपरी तहसील में मुख्य पैदावार के रूप में धान, कपास, सोयाबीन की फसलों का समावेश है, मगर धान की फसलों पर अनेक प्रकार के रोग लगने से किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं और इस वर्ष धान की फसलों पर अनेक प्रकार के रोगों का साम्राज्य होने से किसानों के हाथ धान की फसल आएगी कि नहीं, ऐसा प्रश्न निर्माण हो रहा है। सिटी के लिए हमारे प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की रिपोर्ट। गोंडपिपरी तालुक्यामध्ये धानाच्या शेतकऱ्यांच्या धानाच्या संदर्भात अकाली पावसामुळे नुकसान झालेलं असून त्यांच्या नुकसान झालेलं आहे व धानावर रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे आणि धान मावा, तुडतुडा आणि करपर रोग असल्यामुळे धानाची शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अति नुकसान झालेली असून त्यांना जी मदत शासनाकडून मिळत आहे ती कमी असून त्या रकमेला वाढवून शेतकऱ्यांना मोठी रक्कम देण्यात यावी आणि हे आता जी शासनाने मंजूर केलेली आहे राज्यपालाकडून ही तोकडी रक्कम असून लोकां शेतकऱ्यावर अन्याय होत असून या रकमेला जास्त वाढवून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात यावी।